हेलो एवरीवन, संडे का दिन है और आज हम नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुंदर नगर नर्सरी। यहाँ सैटरडे संडे बहुत रौनक होती है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह जल्दी निकलें क्योंकि यहाँ बहुत धूप हो जाती है और यहाँ पर पार्किंग की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर पेड पार्किंग है, आप अपनी कार आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री की टिकट है 50 रुपीज पर हेड। अब हम सुंदर नगर पहुँच गए हैं और ये कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये सामने हिस्टोरिकल प्लेसेस बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत फाउंटेन बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी पिक्चर प्लेस है। आप यदि अपनी पिक्चर्स खींचना चाहें तो ये बहुत अच्छे पिक्चर्स खींचने की जगह है और काफ़ी लंबी जगह है फाउंटेन की यहाँ पर। और ये मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगी, ये एक लेक है, यहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ आकर पिकनिक मना सकते हो, आप बहुत इंजॉय करोगे यहाँ पर आकर। ये एक इन्होंने फ्लावर्स का अलग से एरिया बना रखा था जहाँ पर बहुत तरह तरह के फ्लावर्स लगे हुए थे। ये काफी बड़ा था। ये सेंटर में फैब कैफ़े बना हुआ है जिसके पास में भी लेक थी, आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हो या वहाँ पर सीट मिले तो वहाँ पर जाकर भी आप बैठ सकते हो। इसका खाना बहुत टेस्टी था और हेल्दी था। हमने यहाँ पर इडली ऑर्डर करी और पराठे ऑर्डर करे थे जो कि मटर पराठे थे, उनका टेस्ट लाजवाब था, तो आप यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें। फैब कैफ़े के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, ये हमें एक ट्री दिखा जहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने इस तरह का ब्रिज बना रखा था और उसके बाद सामने हमें तरह तरह के पक्षी दिखाई दिए। ये मोर बहुत बिग साइज़ का था जो कि सबका अट्रैक्शन का कारण बना हुआ था। अब हम यहाँ से वीकेंड मार्केट जा रहे हैं, ये हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर वीकेंड में मार्केट लगती है। अब हम मार्केट के अंदर आ गए हैं और ये सामने मुझे खाने पीने की शॉप दिखाई दे रही है और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है।
मैंने यहाँ से मटर कुलचा लिया जो कि बहुत टेस्टी था, और मैं चाहूँगी कि आप भी मटर कुलचा ज़रूर टेस्ट करें। यहाँ पर बहुत सारी शॉप थी जिसमें ऑर्गेनिक सामान बिक रहा था, इतनी तरह तरह की वेजिटेबल्स थी जो कि मैंने देखी नहीं थी। ऑर्गेनिक घी यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा था, आप चाहो तो यहाँ से बाई कर सकते हो। यहाँ पर मटका छाछ जगह जगह लगी हुई थी। यहाँ पर कॉफी की भी बहुत तरह तरह की शॉप थी, और काफी लोग यहाँ पर आते हैं और काफी लोग थे जब हम गए थे। यहाँ पर आसपास के गांव के ही फार्मर्स आते हैं जो अपना सामान यहाँ पर सेल करते हैं। कुछ पेंटिंग की शॉप भी लगी हुई थी, कुछ कपड़ों की भी थी, और हमने बात करी लोगों से जो यहाँ स्टॉल लगाते हैं, उन्होंने बोला कि वो 8-8 साल से यहाँ पर आकर अपना शॉप लगाते हैं। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और यदि आपको कोई प्रमोशन कराना है या कोई भी कोलैबोरेशन कराना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ आपको कैसा लगा। और भाई देखते ही रहोगे या सब्सक्राइब भी करोगे? अरे भाई कर दो ना।